अगर किसी एक तिथि की सबसे अधिक प्रतीक्षा इस समय देश में हो रही है तो वो तिथि है 22 जनवरी। और अगर कोई एक आयोजन है जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है और इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ ही नहीं, तो वो भी होना है 22 जनवरी को ही। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जनवरी की तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज। धन्यवाद। बिरहा के सब पर्वत पिघले तब रघुराई तुम घर आए, बेला तो आ गई है। आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का बनना क्या मायने रखता है, और आपकी सरकार के लिए क्या मायने रखता है, केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत द्वेष और संकीर्णता का शिकार बनाने का प्रयास किया था, जिस उपेक्षा का दंश को झेल रही थी, आज उससे मुक्त होकर के हमारे वेदों ने अयोध्या को जिस सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया, आज उसी आभा के साथ पुनर्स्थापित हो रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह मेरा मानना है, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन यह भारत और विश्व मानवता की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा का भी यह आयोजन है, व्यक्तिगत रूप से भी और इस जन आस्था, इस लोक आस्था और जन विश्वास के प्रति लोकतंत्र का एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सबका यह मानना है कि यह कार्य होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्वीकारा, वही गलती की जो शास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं, और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, भगवान राम की उस महत्व को स्वीकार करने के बाद न्याय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है, और उस न्याय और सत्य की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम 22 जनवरी के कार्यक्रम के माध्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा। जन आस्था का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कार्य होना चाहिए, और जन विश्वास पर खरा उतरना। अगर जन आस्था, लोक आस्था का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उस लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। योगी जी, पहले गलतियां की होंगी, अब आप लोगों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने पूरा संपूर्ण वो राम मंदिर का मॉडल भी लगाया है, हालांकि बहुत अब लोकप्रिय हो रहा है, लोग इसे अयोध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या ये पूर्ण नहीं है? क्या गर्भगृह का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को? देखिए, रामलला का प्रकटीकरण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है, और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं,
और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं, दूसरा लोक हित में जन हित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं, उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीजों को जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं, अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है लेकिन 2-3 महीने बाद चुनाव है, और ऐसे में शशि थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी, कांग्रेस के नेता, वो ये कहते हैं कि 2014 में मोदी जीते थे ये कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का, फिर वो 19 में आए पुलवामा की वजह से, अब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदू हृदय सम्राट और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोग करा रहे हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस को किसने इस कार्यक्रम में आने से मना किया था? क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ अयोध्या से किया था? और क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक से भी मुंह नहीं छोड़ पा रही थी? वोट बैंक की राजनीति इसमें विपक्ष ने किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति नहीं की। हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्था थी उस देश की आस्था का हम लोगों ने सम्मान किया, हम उसके पक्षधर थे, आज भी हैं, और जो भी लोक आस्था का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा। तो कह रहे हैं कि बीजेपी संघ का इवेंट हो गया है सर, 5 लोग अंदर रहेंगे गर्भगृह में। हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथि, आपने निकाला है काउंटडाउन लोकसभा इलेक्शन का देखकर। देखिए हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण के उत्तरायण में आने के उपरांत शुभ मुहूर्त आते हैं कार्यक्रमों के, और उसी को मान करके शास्त्रोक्त पद्धति से यह कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस को इसमें तो अवसर मिला था ना, लेकिन याद करिए जब सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम हुआ कांग्रेस ने तो उस आयोजन का विरोध किया, उस समय के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम मैं स्वयं तो नहीं गए लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रयास किया था। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी की? मैं कह रहा हूं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने प्रयास तो किया था, स्वयं तो नहीं गए लेकिन उन्होंने उनको भी रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, आखिर देश की स्वतंत्रता कैसी है? मानबिंदों की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम, और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात, हमें एक स्थान के लिए प्रमाण देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जन्मभूमि है, लेकिन प्रभु राम ने चूंकि हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचरण करते हुए वे सारे प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। हम लोग लड़े, लोअर कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, और अंततः सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सर्वसम्मत फैसला दिया। तो ये न्याय और सत्य की स्थापना का भी अभियान है, और इसी अभियान के क्रम में आज अयोध्या का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें तो किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। पर शंकराचार्य अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो इसका इसके पीछे की सोच क्या है? कांग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए हमने हर धर्माचार्य को, हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है, और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है।
यह अवसर मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूं एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और राम से बढ़कर के कोई नहीं, हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी तमाम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन हम तो आज भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे सभी पूज्य संतों से जिनको तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रण किया है, या जो इस समय नहीं आ पा रहे हैं वे कभी पधारे हैं। हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या। हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैभव के लिए पुनर्स्थापित हुई है। ऐसा नहीं कि लोगों को अवसर न मिला हो, 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे ना, 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया? लोग तो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे। नहीं, ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे, आप अपने तरीके से अलग से जुड़े योगी जी। एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाव रहा, आपका जुड़ाव रहा, लेकिन अयोध्या नगरी की तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब दूर रहते थे कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, यह जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा। हमें प्रभु पे विश्वास था, अटूट विश्वास था कि अगर राम सेतु का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा। और इसलिए उसके पहले, प्रभु के आगमन के पहले दीपोत्सव तो होने ही चाहिए, आखिर दीपावली का आयोजन तो इसीलिए होता है। और सरकार आई, ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ वहां की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना प्रारंभ कर दिया था। चाहे वह राम जी की पेड़ी हो, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी नए घाट तक के निर्माण का कार्यक्रम हो, वहां की स्वच्छता का कार्यक्रम हो, वहां की फसाद की व्यवस्था हो, या अन्य सभी कार्यक्रमों को हमने किया। और आज यही अयोध्या है ना, सिंगल लेन की सड़कें थी, आज अयोध्या के अंदर 4 लेन की सड़क कल्पना थी ना। आज से 10 साल पहले तो कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था। लटकते हुए झूलते हुए तारों के गुच्छे थे, अव्यवस्था थी, गंदगी थी। पिछली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया, 3 घंटे 4 घंटे गंदगी मैट के ढेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया। कोई सुविधाएं वहां के लिए नहीं थी, घाटों में गंदगी का अंबार रहता था। आज अंदर की 4 लेन की कनेक्टिविटी है, बाहर हर ओर से आप लखनऊ से जाएं, गोरखपुर से आएं, वाराणसी से आएं, प्रयागराज से आएं, 4 लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है। और यही नहीं, अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा हुआ था, छोटी लाइन रेल की जाती थी, बाद में ब्रॉड गेज बनी, अब रेलवे की डबल लाइन से जुड़ चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और अयोध्या में सरयू जी में कुछ लोग गोली चलाते थे, आज सरयू जी में क्रूस चल रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता था? आज ये भी हो रहा है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद एक चीज आप अनुभव किए होंगे, देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, सीधे आप लोगों का कनेक्ट है, इतने लोग हटाए गए होंगे, उनका पुनर्वास हुआ होगा। अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में अनरेस्ट होता है। अयोध्या में इतने बड़े, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हुआ, लेकिन कहीं कोई अनरेस्ट नहीं है, हर व्यक्ति में संतुष्टि है, क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या के लिए और प्रभु राम के लिए ही जीता है। और सबके मन में है कि ये काम, जो काम
पहले होना चाहिए था वो काम आज हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से आम जनमानस की जो आज की जो मानसिकता में परिवर्तन आया है अयोध्या के, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन की सरकार की नीति भी साफ थी और नियत भी साफ थी। अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है, दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिएगा। ये किसका आइडिया था कि राजनीतिक मेहमानों को हमें बुलाना चाहिए? आपसे चर्चा तो हुई ही होगी, आप मुख्यमंत्री, किसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए? और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है 22 जनवरी को, वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्भगृह में होंगे उसमें प्रधानमंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, जो गवर्नर, सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो कह रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट है। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किसने रोका था? आखिर कांग्रेस ने 1947 से लेकर के और एक लंबे समय तक शासन किया है। राहुल जी स्वयं भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिरमौर के रूप में बैकडोर से कमान तो संचालित करते ही थे। किसी से छुपा हुआ है क्या? हाँ, वो अलग विषय है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किए कि संसद की अवमानना करते हुए बिल की प्रतियों को वहां फाड़ने का काम जरूर किया था। क्या इवेंट ही था? ये कांग्रेस का इवेंट है। वे संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत की लोक आस्था का अपमान करते हैं, भारत के जनविश्वास पर कुठाराघात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, प्रभु राम का रामलला के रूप में अपनी जन्मभूमि में पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, ये प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह भारत के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो गौरव का विषय है ही। देश और दुनिया के अंदर जितने भी दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के अनुयायी होंगे, उन सब के लिए भी आशा की एक नई किरण है। राजनीतिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने उनको तलवार की नोक पर चढ़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रही है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर वो इनकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं। हम, मैंने इन्होंने दूरी बना ली। ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सबके हैं, दृष्टिकोण लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं। हमने उनके महत्व को समझा जाना है, इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया। राम के महत्व को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की तर सोच भी नहीं सकते। लोक आस्था क्या होती है और जन विश्वास क्या होता है, या अगर कांग्रेस ने समझने का प्रयास किया होता ना, ये दुर्गति नहीं झेलते। और इसलिए हर उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम में आमंत्रण होना चाहिए। और ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आयोजन है, उन्होंने अपना निमंत्रण देकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, क्योंकि राम तो सबके हैं, सबको आयोजन में बुलाना चाहिए। और ठीक है, पूरा देश आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भक्त आना चाहता है। इस आंदोलन, इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए एक लंबी श्रृंखला है, वे भी आना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग समय में लोग आएंगे। हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सभी लोगों को अवसर मिले अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। और वहां की व्यवस्था से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास देख रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा, प्रभु के दर्शन करने की नियत से आएगा, उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुंचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे, उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए, ये जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेकर के करेंगे, दर्शन में भी और बाहर भी। क्योंकि आए थे कल कांग्रेस के नेता, आए थे दर्शन के लिए, सद्बुद्धि आए, अपने नेतृत्व को भी समझाएं, अपने नेतृत्व को भी उनको समझाना चाहिए। तो कांग्रेस के नेता आए वहां पर दर्शन के लिए आए, पर आपने सवाल का जवाब देते हुए, योगी जी, सवाल यह था कि कांग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है,
आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन, आपने खंडन नहीं किया। ये मैंने कहा ना कि उनका दृष्टिकोण राजनीतिक सत्ता पर है, हमारा दृष्टिकोण लोक आस्था को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है। तो हम लोग उस अभियान के साथ इस रूप में जुड़े हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ है, अंदर की सारी व्यवस्था यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंत्रण करने के लिए स्वतंत्र है। ट्रस्ट ने जिन्हें आमंत्रित किया है वे सब हमारे अतिथि होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे, क्योंकि राम के प्रति एक हमारी आस्था, दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। और अयोध्या का यह इवेंट हमारे लिए इस रूप में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है। बहुत सारे सवाल अब इर्द गिर्द हो रहे हैं। आपने शंकराचार्य पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप सबको ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आइए। एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिए भी फैल रही है और संजय राउत जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने भी उठाया, वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था, जो गुंबद के नीचे जगह थी जहां पर है, वहां पर गर्भगृह नहीं बन रहा है, आप लोग गर्भगृह दूर बना रहे मंदिर के, ऐसा क्यों हो रहा है, सब प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आप जानकारी दे सके। तो ये तो दर्शन करने के लिए आए थे, संजय राउत भी आए थे और उद्धव जी भी आए थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम घोषणाएं भी की थी, उस समय अपने अमूल्य सुझाव दिए होते। देखिए अंगूर खट्टे हैं, अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने कहा ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, हर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हमारी पूरी लड़ाई वही थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पे बन रहा है। पर फिर वही है ना सर, कोर्ट का फैसला है। मैंने कहा ना फैसला तो कोर्ट का है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है पूरा। कोर्ट के फैसले को पहले भी करवाया जा सकता था, पेंडिंग क्यों डाला गया था, क्यों नहीं आप पैरवी कर रहे थे? मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णय में बाधा नहीं डाला जाता था ही। देरी का कारण न्यायालय नहीं, सरकारें थी, पार्टियां थी, वे चाहती नहीं थी कि इसका निर्णय हो। इसका फायदा मिलेगा 24 में, 24 के चुनाव में। सब फायदे और नुकसान का नहीं, पर मिलेगा जो देश की आस्था का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा। अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रेय दिया जाता है, दूसरा क्या आप भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रेय है? देखिए राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, 1528 से लेकर के 2019 तक, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निरंतर एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था। एवरेज अगर आप देखेंगे 76 बार बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्ष हुए हैं 1528 से लेकर के इन लगभग 590 वर्ष के अंदर, 490 वर्ष के अंदर इतने बड़े आंदोलन अभियान चलते रहे। ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय 3 लाख से अधिक राम भक्त शहीद हुए, इसमें संत भी थे, राजे रजवाड़े भी थे, सामान्य भक्त भी थे, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, जो राम जन्मभूमि के लिए अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। दुनिया के अंदर इस प्रकार का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो अयोध्या की दृश्य हम सबको देखने को मिला। हाँ, आंदोलन कभी विपरीत परिस्थितियां थी,
कई सम परिस्थितियां थी, लेकिन निर्णय और अनिर्णय के बीच में फंसा हुआ था। 1885 के ब्रिटिश कालखंड में न्यायालय के आदेश को आप पढ़े ना, कोर्ट स्वीकार कर रहा है कि स्थान हिंदुओं का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्णय हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीजें आगे आई और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया, उनको भी आगे आना चाहिए था। आज दोषारोपण करने से नहीं काम चलने वाला है। आज जब देश एक अच्छी दिशा में जा रहा है, सारे लोग उस दिशा में एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई अवसर होना चाहिए। योगी जी, अब आपकी भूमिका पर आते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का ढंग, ये भगवा रंग जो आप धारण करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुलडोजर चलाना, आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी अप्रभावित होकर नहीं जाएगा 2024 तक, तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम राम मंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत झोंक दी है, इसी के जरिए आप बीजेपी को जितना लाभ 24 के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं हूं? देखिए, मैं तो इस पूरे अभियान का एक सिपाही हूं और सिपाही के रूप में हम लोग राजनीति में आए हैं मूल्यों और आदर्शों के साथ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ आए हैं और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। पर आप में कैसा क्या ऐसा जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं है? आपको हर जगह प्रचार के लिए ले जाया जा रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आपको सभी, आप स्टार प्रचारक बन के सभी, कुछ तो ऐसा है इस भगवा रूप सभी, में जो... सभी मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं और हर एक के सहयोग के लिए एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गणाते हैं, केंद्रीय नेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को अवसर मिलता, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना आकर्षण है तो मैं चाहूंगा पूरा देश ही भगवा में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अयोध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक, अंजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया, तो अगर उसे हम देखें, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी के लिए या फिर एक साल के लिए या दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं। आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है? मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तव में केवल एक छोटे से नगर के रूप में जाना है। ईमानदारी से अगर इस पर लोग शोध करें तो यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। विश्व की? हाँ, मनुष्य, पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरुआत भी, यहीं से शुरू भी होती है। अयोध्या उसकी प्रथम भूमि है, आधार भूमि है, मनो से मानो जी। और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है। मनो के कितने पुत्र थे उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं। आप भारत के प्राचीन इतिहास को उठा के देखें तो आपको ये सारी चीजें जानकारी में आ जाएंगे। अयोध्या प्रभु राम की पावन जन्मभूमि है, ये तो हम सब जान रहे हैं। उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमि बनाने का श्रेय हम मां गंगा को देते हैं जी। और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? भागीरथ, वे भी अयोध्या में जी। महाराज दलीप भी वहीं पैदा हुए थे,
महाराज अज भी वहीं पैदा हुए थे, मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे, एक लंबी परंपरा है। जैन परंपरा के तीर्थंकरों को आप देखेंगे, ये परंपरा भी वहीं वहीं से निकलती हुई दिखाई देती है। जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपराएं, ये सब वहीं से निकलती है। और अयोध्या के इस महत्व को कमतर आंकने का प्रयास, जो विश्व के इतिहास की भूमि है, जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महत्व के माध्यम से भारत की यानी एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक अवसर मिला है, हम लोगों को लेके आए। देखिए, हम लोग उसके महत्व को अभी भी वो बहुत वो कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को किया था, 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये हुआ कि भाई अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं या हैं, आज भी हैं, जो अपने सूत्र को जोड़ते हैं। तो साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी हमारे आयोजन का चीफ गेस्ट बनी थी, उनका पूरा एक डेलीगेशन आया था यहाँ पे, और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वंशज हैं साउथ कोरिया में। और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई? जल मार्ग से। हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए जिससे जल मार्ग को हम प्रारंभ कर सकें, इसके लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी कर दिया है। यहां से हाँ हम लोग लेके जा रहे हैं, शुरू करें हल्दिया तक जोड़ने के लिए, फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए। और अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जल मार्ग से साउथ कोरिया पहुंची थी। आज की वहां की जो परंपरा है, एक बड़ी परंपरा, वहां पर उन्हें अपनी दादी माँ के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है। और उन्हीं की स्मृति में किम हो जी। जो पार्क है अयोध्या का, वो हम लोगों ने वहां पे स्थापित किया है जी। ऐसे ही थाईलैंड में आप देखें राजा राम है वहां के, वहां की पूरे परंपरा अपने आप को राम से जोड़ती है। वहां के जो राज नेशनल हाईवे है वे सब राम के नाम पर, रामावन, रामाटू, राम राम के नाम पर है। राजा ने अपना जो म्यूजियम, अपना जो पैलेस था ग्रैंड पैलेस, उसको उन्होंने रामायण को दान किया। थाई रामायण के सभी चित्रों को उस पर उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया। ये थाईलैंड का है। थाईलैंड की जो पुरानी राजधानी थी, जो बाद में म्यांमार के साथ युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह अयोध्या थी। आज भी उन्होंने सम्मान दिया। यानी अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड़ रहे हैं राम के साथ। आप इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया तो में दुनिया के सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में वे लोग आज भी रामायण के साथ जुड़े हैं। हमने इंडोनेशिया के रामलला को भी आमंत्रित किया है इस दौरान अयोध्या में। अब उनके पात्रों से बात करिए ना, वे सभी राम को अपना आदर्श मानते हैं। समस्या ये है कि जो है जो अधकचड़ा ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, वही लोग भारतीयता पर, भारत की परंपरा पर, भारत के महापुरुषों पर, भारत की आराध्य देवों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इनको वास्तव में समझना चाहिए, अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, और उस सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उसकी पुनर्स्थापना होनी ही है। आपने अभी कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आप लोगों का नारा था। संघ परिवार का एक और नारा है, काशी मथुरा अभी बाकी है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जो विषय न्यायालय में है तो न्यायालय को उस पर काम करने देना चाहिए। हमने रामलला के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया,
और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विजय प्राप्त की। यहाँ के मामले भी अभी सब जुडिस हैं, न्यायालय में न्यायालय के सामने अपने प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, समय आने पे सारी तथ्य सामने आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा। यानी लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालती कानूनन। कानूनन उस प्रक्रिया आप ही के राज्य की बात है, बाकी दोनों जगह हाँ कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कन्हैया लाल जी को भी आप लोग कोई तारीख देने वाले हैं? मैंने कहा रन सभी चीजों के लिए समय आएगा। और देखिए हो है वही जो राम रसी राखा, प्रभु को अपनी लल्ला को भी तो रसने दीजिए। पर खुशी आपकी छिपती नहीं है चेहरे पर, वो आते ही बात खुशी दिख रही है आपके चेहरे। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हम तो निमित्त मात्र हैं, प्रभु अपनी लीला को स्वयं करेंगे। अच्छा चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो। हाँ, राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी? तीर्थ क्षेत्र ने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने यजमान बनाए हैं प्रधानमंत्री। मैं सकता हूँ जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा, मगर जो अनुष्ठान में बैठ करके इस पूरे को संपन्न करेगा। अच्छा, ये सभी कार्यक्रम उसका अपने शास्त्रोक्त पद्धति और शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? 12 बजे शुरू हो रहा है, 12:20 में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा। अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने, आपने छुट्टी की घोषणा करी दी है। देखिए उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा, उससे पहले अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 14 से लेकर के 21 तक स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है। हम दीपावली के पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, अन्य आयोजनों में करते हैं। यद्यपि पहले की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफ़ी स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी लोगों में एक जागरूकता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्याह्न के पूर्व तक अखंड रामायण पाठ या राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। अपराह्न में मध्याह्न में 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा। पूजा पहले से चल रही होगी, उसके बाद एक कार्यक्रम अनुष्ठान होंगे और लगभग 1 बजे तक अंदर का कार्यक्रम संपन्न हो करके 1 बजे वहां पे संबोधन की दिशा से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा। आप भी बोलेंगे, पीएम भी बोलेंगे, तो ये कार्यक्रम वहाँ के संपन्न होंगे। संपन्न होने के बाद जो भी तीर्थ क्षेत्र जो भी तय करेगा उसके अनुसार ये कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद से जो आगत पूज्य संतजन हैं, अतिथिगण हैं, वो दर्शन करेंगे, वो अंदर जाकर के दर्शन करते हुए निकलते जाएंगे, उनका प्रस्थान होगा। तो ये सभी कार्यक्रम वहाँ पे होंगे। ये कार्यक्रम फिर अनवरत आगे व्यवस्था की दृष्टि, क्योंकि हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर ये व्यवस्था वहां पर आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। 22 तारीख को तो हो जाए, पर 23 तारीख से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या। 23 के बाद से हम लोग वही अनुरोध कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में हर जनपद में, वे अगर उसकी व्यवस्था के तहत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा। अपने तरीके से पैदल ना निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीड़ भाड़ होगी, इसलिए लोग मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि पैदल कोई ना चले, अपने वाहन स्वयं बुक ना करें। जो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है वहां पे न्यास से जुड़े हुए लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है, वे वहां से अपना कार्यक्रम भेज करके जब उनको वहां से कहा जा रहा तभी वे लोग आए। रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाएगी, उन स्पेशल ट्रेन्स में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अयोध्या आ सकते हैं, तो वहां पे हम उनको बेहतर सुविधा दे पाएंगे और आसानी से दर्शन करा पाएंगे। क्योंकि केवल अयोध्या आना भर नहीं है, जिस उद्देश्य से आ रहे हैं कि रामलला का दर्शन कर सके उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो इसके लिए वहां पे दर्शन के लिए पर्याप्त
व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेटिंग दिए जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में, एक व्यक्ति को एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे, 1.5 लाख 2 लाख तक लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि आने के इच्छुक लोग बहुत होंगे। तो ये प्रयास धीरे धीरे करके जब भी अवसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था देंगे। देखिए अयोध्या के प्रति आकर्षण का क्या हो, जैसे रामनवमी में अमूमन 17 के पहले हजारों में लोग आते थे, 50,000-60,000 तक लोग आते थे, दर्शन करके स्नान करके चले जाते थे। दीपोत्सव के बाद कार्यक्रम में संख्या बढ़ती गई, अयोध्या में सुविधा भी मिलती गई, लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या का अयोध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग, हर श्रद्धालु, हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और व्यवस्था हम लोग देंगे। एक और सवाल मन में आया, आपने कहा कि प्रधानमंत्री लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या हमारे जो मुख्य गर्भगृह है उसमें पहले से ही उन मूर्ति रामलला की 5 साल वाली भी जो अरुण योगी राज बना रहे हैं, तो, और तो, छोटी वाली भी रामलला जी की मूर्ति सभी उस सब पहले से स्थापित, पहले से स्थापित हो जाएगी। बाकी वो तो अंत में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का एक आयोजन होगा, उस एक घंटे के आयोजन के अंदर सारे कुछ संपन्न हो जाएंगे। योगी जी, अब कुछ राजनीतिक प्रश्नों की ओर आना चाहती हूँ। मायावती जी ने हाल ही में ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाने वाली हैं, उन पर भी बड़े प्रहार हुए, कहा गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने वाली हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपना अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है, और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं? पर आपको फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही अपने आप तय कर देगी। हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में ये लोग अलग अलग लड़े थे, 14 में भी अलग अलग लड़े थे, 14 में 2 नवयुवकों की जोड़ी लड़ी थी, 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रयास किए थे बीजेपी से, 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागठबंधन भी बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, जीती थी। लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनीति को बनाने का पूरा अधिकार है। बीते दिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी, और मायावती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को। अब आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायावती जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाफ बोल रही है, और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है। हमारा कौन सा, चले मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का, सीबीआई, अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना। तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो, लेकिन एजेंसी का असर है। लेकिन अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे, आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना, या इस स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं अपना। तो मायावती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पूरा बयान पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के हित में उस प्रकार का। त्रिकोणीय लड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर, अगर बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट, बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटें 80 में से? हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर हैं, 80 में से 80 बीजेपी के पक्ष। पर योगी जी, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे, ये बात अलग थी कि कार्यकर्ताओं के दिलों के मिलने। हम तब भी 64 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे,
80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे। पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं, वहां पर अगर वाकई बीएसपी एसपी कांग्रेस वगैरह सब मिल जाते एक साथ, तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत। देखिए, गठबंधन 19 में इन्होंने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या था उस समय? इन्होंने दुष्प्रचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था कांग्रेस ने, और जनता के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आज ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है। आज तो 19 से भी हम कभी कहीं आगे निकल चुके हैं। आज 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज हर व्यक्ति इस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानी वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले 10 वर्ष के अंदर। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि देश सुरक्षित हुआ है और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, और हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि बिना भेदभाव के वेलफेयर स्कीम का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। किसने रोका था कांग्रेस को या अन्य दलों को इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम को चलाने से? कल आपने देखा होगा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में पिछले 10 वर्ष में कितना अंतर आया है। 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं भारत के अंदर। ये अपने आप में एक चेंज को दिखाता है, और यह चेंज आज एक गरीब भी इस बात पर विश्वास करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, मेरे यहां विकास हुआ है, हमारा देश सुरक्षित है, और जो भारत के बाहर जाता है उसके सामने पहचान का संकट नहीं, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। तो राजनीतिक पुण्य में आपको कितनी सीटें मिलेंगी पूरे भारत में? अंतिम सवाल। भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। चलिए योगी जी।